अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मारिया बी की बिल्कुल लेटेस्ट वॉल्यूम स्टॉक में आई है। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये पिक्स दिखा दें। बिल्कुल फ्रेश वॉल्यूम है मारिया बी की। इसमें 7 डिज़ाइन लॉन्च हुए थे, जिसमें 5 जो है वो स्टॉक में आ गए हैं, और जो 2 और डिज़ाइन है वो भी इंशाल्लाह जल्दी रिस्टॉक हो जाएंगे। बहुत ही प्यारी कलेक्शन है मारिया बी की। सबसे पहले मैं आपको मारिया बी का D5 आर्टिकल दिखाता हूँ। काफ़ी यूनिक आर्टिकल है और डिफरेंट फैब्रिक पे है, ऑर्गेंजा पे है, प्योर ऑर्गेंजा पे। सबसे पहले मैं आपको D5 आर्टिकल शो करवाता हूँ मारिया बी का। बहुत ही प्यारी वॉल्यूम लॉन्च हुई है मारिया बी की। ये इसकी बॉक्स पैकिंग है। सबसे पहले व्यूअर्स को हमारी बॉक्स पैकिंग दिखा दें। ये मारिया बी की बॉक्स पैकिंग होती है और ये इसकी पिक्चर है, ठीक है। ये मारिया बी का आर्टिकल है, ये पिक्चर है D5 आर्टिकल। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, अभी आपको ओपन करके शो करवाता हूँ। 2 डिज़ाइन इस वॉल्यूम में मिस है, वो भी इंशाल्लाह रिस्टॉक हो जाएंगे। अगर कस्टमर को चाहिए तो वेबसाइट पे इनकी पिक्स है, उसमें चेक कर सकते हैं जो 2 डिज़ाइन मिस है। ये इसका आ जाएगा फ्रंट, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल दिखा रहा हूँ। ये सेम एज ओरिजिनल कटवर्क हुआ हुआ है, टोटल थ्रेड वर्क और सीक्वेंस वर्क में काम है। गला इसका बहुत ही डिसेंट बना हुआ है, फाइन क्वालिटी में इसका गला बना हुआ है। उसके बाद ये इसके आ जाएंगे बैक के साइड पैनल्स, ठीक है। ये बैक के साइड पैनल आ जाएंगे, और उसके बाद इसकी बैक साइड भी इसी तरह 2 शेड में बनी हुई है। जिस तरह फ्रंट है, इसी तरह 2 शेड में बैक साइड बनी हुई है। और फिर इसके स्लीव्स में आपको चेक कराता हूँ। स्लीव्स भी काफ़ी यूनिक स्लीव्स बने हुए हैं, टोटल सीक्वेंस वर्क और थ्रेड वर्क है, काफ़ी फाइन क्वालिटी में बना हुआ है ये। ये इसका ट्राउज़र आ जाएगा, और फिर लास्ट में इसका रेडी टू वेयर दुपट्टा आपको शो करवाता हूँ। ये इसका दुपट्टा है, ये सेंटर पे भी दिखा दें। पल्लू पे काफ़ी काम हुआ हुआ है और सेंटर पे भी वर्क है 2 शेड में, और ये इसके बॉर्डर्स हैं, ठीक है। जब स्टिच होगा तो ड्रेस की ये लुक आएगी। बहुत प्यारा आर्टिकल है ये, और इसकी जो प्राइस रेंज है ये 14,500 की रेंज में है, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट आर्टिकल आपको मैं दिखाता हूँ मारिया बी का। नेक्स्ट आर्टिकल भी वाइट में है, काफ़ी डिसेंट आर्टिकल है। ये पिक्चर है D4 आर्टिकल। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है मारिया बी का। ये मारिया बी के तो सभी ड्रेसेस काफ़ी प्यारे होते हैं, और इस दफ़ा भी काफ़ी प्यारी वॉल्यूम लॉन्च की है। ये आ जाएगा शफून के ऊपर है, ठीक है। D4 आर्टिकल ये शफून पे आएगा। इसका मैं आपको दिखा दूं पहले, ये फ्रंट बैक आ जाएगा, ठीक है ना। शफून के ऊपर टोटल थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, और बहुत ही फाइन क्वालिटी का इसका बरीजे स्टाइल में वर्क हुआ हुआ है। उसके बाद इसका ये हैंडमेड गला आएगा, जब ये लगेगा तब इसकी लुक उठेगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वर्क इसके ऊपर हुआ हुआ है। टोटल ऊपर तक आप दिखा दें हमारे व्यूअर्स को। उसके बाद ये दामन का पैच आ जाएगा। दामन का भी बहुत ही प्यारा पैच बना हुआ है थ्रेड वर्क में। ये इसका दामन का पैच आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह पिक्चर में आप देख सकते हैं दामन का पैच लगा हुआ है। उसके बाद अगर ये गला स्टाइल ये बनाना है तो इसके ऊपर ये पट्टी भी लगा सकते हैं, ट्राउज़र पे भी पैच लगा सकते हैं, वो कस्टमर की चॉइस है। और उसके बाद ये इसके स्लीव्स हैं सिंपल में, ठीक है। और ये इसके स्लीव्स के ऊपर पैच आएगा, और एक जो ऊपर मोटिफ लगा हुआ है वो ये है। स्लीव्स के ऊपर जो ऊपर मोटिफ आएगा ना, वो ये टोटल हैंड वर्क में है, ठीक है। उसके बाद ये इसका ट्राउज़र रॉ सिल्क का, और ये इसका आ जाएगा दुपट्टा। काफ़ी प्यारा दुपट्टा है, रेडी टू वेयर है। 4 साइड पे ये आप देख सकते हैं बॉर्डर है, एप्लिक हुई हुई है, सेंटर पे पल्स का काम हुआ हुआ है, नेट का ये दुपट्टा है। ये इसकी पिक्चर है, जब स्टिच होगा तो ये लुक आएगी। और इसकी जो प्राइस रेंज है ये भी 14,500 की रेंज में है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको शो करवाता हूँ मारिया बी का। ये भी काफ़ी डिसेंट आर्टिकल है, काफ़ी यूनिक स्टाइल में बना हुआ है ये इसकी पिक्चर, ठीक है। अभी मैं ये आपको ओपन करके शो करवाता हूँ। ये असल में पैनल्स में बना हुआ है, लेकिन जब पैनल्स जुड़ जाते हैं तो उसके बाद ही लुक उठती है ड्रेस की। ये इसके एक साइड पैनल आ जाएगा, मैं आपको पूरा रख देता हूँ, फिर हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा। ये एक साइड पैनल आ जाएगा, उसके बाद सेकंड पैनल इसका ये है, ये सेकंड पैनल आ जाएगा। ये 2 इसके साइड के पैनल है। अभी सेंटर पैनल रख के मैं, फिर आप क्लोज करके दिखाइएगा। ये इसका सेंटर पैनल आ जाएगा। अभी हमारे व्यूअर्स को आप दिखाएं, ये इसके 2 साइड पैनल आएंगे और ये सेंटर का पैनल है।
सेंटर के पैनल के गले के ऊपर भी बहुत ही फाइन क्वालिटी का वर्क हुआ हुआ है। फिर इसके आएंगे नीचे दामन के पैचेस, ये आप देख सकते हैं, ये दामन का एक ये पैच आएगा, ठीक है, फ्रंट बैक का। उसके बाद ये भी इसके फ्रंट बैक का पैच आएगा दामन का, और लास्ट में एक ये पैच है फ्रंट बैक का, जिस तरह पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये वाला लास्ट का पैच इसका ये है, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी बैक साइड दिखा देते हैं, ये इसकी बैक साइड है, और ये इसके आ जाएंगे स्लीव्स, स्लीव्स भी काफ़ी डिसेंट बने हुए हैं, ये इसके स्लीव्स हैं। और इसमें लास्ट में ये जैकॉट का प्रिंटेड ट्राउज़र, और ये स्लीव्स का पैच मिस हो गया था, ये स्लीव्स का पैच है, ठीक है। दुपट्टा इसका काफ़ी डिसेंट बना हुआ है, ये इसका दुपट्टा है, फोर साइड पे बॉर्डर है, सेंटर के ऊपर सीक्वेंस वर्क है, बहुत ही फाइन क्वालिटी में इसका काम हुआ हुआ है, और गेंजा का दुपट्टा है, काफ़ी डिसेंट बना हुआ है दुपट्टा। ये जब स्टिच होगा तो ये ड्रेस की लुक आएगी। इसकी जो प्राइस रेंज है ये भी सेम है, 14,500 की रेंज में, ठीक है। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट आर्टिकल दिखाता हूँ मारिया बी का, काफ़ी यूनिक आर्टिकल है ये भी, ये मैक्सी भी बन सकती है और ड्रेस भी बन सकता है, ठीक है। यह फुल फैब्रिक पे है, ये इसकी पिक्चर है, दो स्टाइल में बनेगा, मैक्सी भी बनेगी और ड्रेस भी इसका बन सकता है। ये इसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि टू स्टाइल में ये बनेगा, ये सारा इसका शकुन का आ जाएगा फ्रंट बैक कलियाँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका सेंटर गला शो करवाता हूँ, गला भी इसका बहुत ही प्यारा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसके पैचेस, जो दामन के पैचेस हैं, ये इसके दामन के पैचेस आ जाएंगे, ठीक है, ये इसके फ्रंट बैक के पैचेस आ जाएंगे। और उसके बाद इसका हैंडमेड गला है, काफ़ी यूनिक आर्टिकल है ये, इसका हैंडमेड गला आ जाएगा, क्लोज करके व्यूअर्स को दिखाएं, ये इसका हैंडमेड गला आ गया। और ये जो अगर मैक्सी आपने बनानी है तो ये फिर ऊपर बॉडी आएगी ये, ठीक है, ये फ्रंट बॉडी आएगी और ये बैक बॉडी आएगी सिंपल में, ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स भी काफ़ी डिसेंट बने हुए हैं, क्लोज करके भी उसको काम दिखा दें, बहुत ही फाइन क्वालिटी का इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है। और ये इसका आ गया बैक साइड का कपड़ा, जो मैक्सी बनाएगा फिर उसमें बैक साइड पे भी ये सारा स्टफ यूज़ होगा। उसके बाद ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है, ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी काफ़ी डिसेंट दुपट्टा बना हुआ है, फुल एम्ब्रॉयडेड है, टोटल एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई है, काफ़ी यूनिक दुपट्टा है इसका, इसके बॉर्डर्स आ जाएंगे। और ये फिर आ जाएगा पल्लू, ये इसके पल्लू आ जाएंगे बॉर्डर के, ये काफ़ी यूनिक ड्रेस है, दो स्टाइल में बनेगा, मैक्सी और सूट बनेगा। और इसकी जो प्राइस रेंज है ये शफून के ऊपर है, शफून फैब्रिक थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ये 17,500 की रेंज में, ठीक हो गया। और इसके बाद फिर एक और आर्टिकल दिखाता हूँ हमारे अभी का लास्ट, जो हमारे पास स्टॉक में है, ये लास्ट आर्टिकल है, ये भी दो स्टाइल में बनेगा, इसका जो स्टाइल दिए हुए हैं ये एक साड़ी भी बन सकती है और ओपन स्टाइल में ड्रेस भी बन सकता है, ये भी काफ़ी प्यारा आर्टिकल है, ठीक है। ये भी अभी मैं आपको ओपन करके शो करवाता हूँ, मैं आपको ड्रेस का पैटर्न बता देता हूँ, ये इसका फ्रंट बैक आएगा, ये स्टाइल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसका फ्रंट बैक आ जाएगा, ये क्लोज करके दिखाएं, बहुत ही फाइन क्वालिटी का इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है। उसके बाद इसका गला ये शो करवा दें हमारे व्यूअर्स को, बहुत ही प्यारा गला है, हैंडमेड हैंडमेड इसका गला हो गया। और फ्रंट बैक के पैचेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके, ये इसका फ्रंट का पैच आएगा हैंडमेड, ये इसका दामन का पैच आ जाएगा, ठीक है, इस तरह पिक्चर में। उसके बाद ये भी फ्रंट बैक का पैच आएगा, और उसके बाद ये इसकी बैक साइड है, ठीक है, ये इसका आ जाएगा दुपट्टा,
मतलब ये साड़ी बनानी है या मैक्सी बनानी है वो कस्टमर की अपनी चॉइस है। ये दुपट्टा बन सकता है जब आप ड्रेस बनाएंगे तो, और ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है। ये दो स्टाइल में अभी कस्टमर की अपनी चॉइस है, ये थोड़ा इसलिए कस्टमर को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, ये दो स्टाइल में बनेगा। अगर साड़ी बनानी है तो वो भी बन सकती है, अगर ड्रेस बनाना है तो वो भी बन सकता है। फैब्रिक मैंने आपको गाइड कर दिया है। इसकी जो प्राइस रेंज है ये 17,500 की रेंज में है। इसके अलावा मारिया बी की इस वॉल्यूम में दो डिज़ाइन मिस हो गए हमसे, लेकिन इंशाल्लाह वो 1 वीक के अंदर रिस्टॉक हो जाएंगे। इसके अलावा स्टिचिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है और इंटरनेशनल डिलीवरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है।